डेली करंट अफेयर में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आज की करंट अफेयर। आज की राजस्थान करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो कि आपको लास्ट में पूछा गया था उसका राइट आंसर क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद कल की करंट अफेयर का वन लाइनर में रिविजन करेंगे, और उसके बाद आज की ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। डेली आपको इसी तरह इस चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली मॉर्निंग में 11 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर देखने को मिलेगी। तो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान कब से कब तक मनाया जाएगा। आपके पास ऑप्शन थे 5 से 15 अगस्त, 9 से 15 अगस्त, 7 से 15 अगस्त, 2 से 15 अगस्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 से 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करता हूँ कल की करंट अफेयर का, एक बार फास्ट रिवीजन कर देते हैं जिससे कि आप भूल ना जाए कि एक दिन पहले की करंट अफेयर के क्या क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है कि चिरंजीवी योजना में SC ST और OBC को अब कितने रुपए का प्रीमियम नहीं लगेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीवी योजना में SC ST और OBC को अब 850 रुपये का जो प्रीमियम लगता था वो अब नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से बसंती देवी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा की वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में बाड़मेर की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो कनाडा की वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में बाड़मेर की चतुरू ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहलोत कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाने के प्रपोजल को स्वीकृति कब दी थी। तो इन्होंने स्वीकृति 4 अगस्त 2023 को दी थी, और इसकी घोषणा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको 17 मार्च 2023 में की थी कि भाई नए जिले और संभाग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत कलराज मिश्र के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में नाहरगढ़ लॉयन सफारी के बाद राज्य की दूसरी लॉयन सफारी की मंजूरी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने किस जिले को दी है। तो जयपुर में नाहरगढ़ लॉयन सफारी के बाद राज्य की दूसरी लॉयन सफारी की मंजूरी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने उदयपुर जिले को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 के तहत राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है। तो राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम अलवर नगर निगम को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपके प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नारी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में नारी गौरव सम्मान से श्वेता मेहता मोदी को सम्मानित किया गया। अब बात करता हूँ आज की करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित प्रमोशनल फिल्मों की लॉन्चिंग कब की गई। आपके पास ऑप्शन है 6 अगस्त 2 अगस्त 4 अगस्त 7 अगस्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित प्रमोशनल फिल्मों की लॉन्चिंग 4 अगस्त 2023 से की गई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा कितने अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है 2 5 7 4। तो राजस्थान में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 5 गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया। आपके पास ऑप्शन है उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर की कसीदाकारी शिल्प और उस्ताकला शिल्प, जोधपुर बंदेज शिल्प, उपयोग सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राजस्थान के इन तीनों उत्पादों को GI टैग दिया गया, उपयोग सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 6 अगस्त 2 अगस्त 4 अगस्त 7 अगस्त। तो नेशनल जेवलिन थ्रो डे है ये आपके प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है, यानी कि 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद 7 अगस्त से नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 की शुरुआत कब की गई। 1 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2023, 2 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023। तो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 की शुरुआत 5 अगस्त 2023 से की गई है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग का नया स्लोगन क्या जारी किया गया? आपके पास ऑप्शन है, मारो राजस्थान, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, पधारो मारे राजस्थान, राजस्थान की शान। तो राजस्थान पर्यटन विभाग का नया स्लोगन जारी किया गया वो था, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। डेली आपको इसी तरह ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर 11 बजे मॉर्निंग में इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति किसने दी है? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उषा शर्मा, नरेंद्र मोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान राज्य गोरखनाथ बोर्ड का गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी गई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर तिरंगा अभियान, डाकघरों में कितने रुपए में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की बिक्री शुरू हो गई है? तो 15 अगस्त के लिए जो हर घर तिरंगा अभियान है उसमें डाकघरों में कितने रुपये में राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगे की बिक्री शुरू हुई है? आपके पास ऑप्शन है, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हर घर तिरंगा अभियान, डाकघरों में 25 रुपये में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की बिक्री शुरू हो चुकी है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में चूरू की निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में कौन सा पदक जीता है? रजत, गोल्ड, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में चूरू की निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में कांस्य पदक जीता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में नए जिले और संभाग की अधिसूचना जारी होने के बाद कुल कितने जिले और संभाग हुए? 48 जिले 10 संभाग, 50 जिले 10 संभाग, 53 जिले 9 संभाग, 40 जिले 10 संभाग। तो हाल ही में राजस्थान में नए जिले और संभाग की अधिसूचना जारी होने के बाद 50 जिले और 10 संभाग हो चुके हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करता हूँ आज के क्वेश्चन की जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, कनाडा के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में बाड़मेर के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? आपके पास ऑप्शन है, अवनी चतुर्वेदी, विद्या कुमारी, चतुर, संतोष कुमार। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।